तो जब ये फिल्म आया था बहुत लाइक आई थिंक लॉकडाउन से पहले, तभी उसका टाइटल भी अलग था और साजिद नाडियाडवाला सर भी थे इस प्रोजेक्ट में और हमने हाउसफुल किया था. एंड ऑफ कोर्स सलमान सर ने भी मोहिंजोदारो देखने के बाद मुझे बोला था कि यू नो वील डेफिनेटली डू समथिंग टुगेदर, वील वर्क टुगेदर. तो ये बहुत अच्छे से फिट हुआ ये फिल्म में, क्योंकि फिल्म में मेरा जो किरदार है एक तेलुगु गर्ल का रोल है. तो इट वॉज ग्रेट क्योंकि मैंने उधर बहुत काम किया है तेलुगु में. तो इट जस्ट फिट ब्यूटिफुली एंड दिस फिल्म इज हैपेंड नाउ टुडे. और ये एक अच्छी बात है कि एक सलमान खान की फिल्म में मुझे इतना अच्छा रोल मिला है, इतना इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो क्यों कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं जो फिल्म में, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा. क्योंकि मेरा जो स्टोरी लाइन है बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाई इज ही डूइंग व्हाट ही इज डूइंग. हाँ, वो कहानी में ऐसा नहीं कि हम लोग ने कुछ ट्राई किया कि हम सबको लेकर आएंगे, वो जरूरत उसमें नीड था. क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि वो लड़की तेलुगु लड़की है जो आती है दिल्ली में, तो वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ नेचुरली. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टार्स है ये फिल्म में इन टर्म्स ऑफ जो बाकी के जो कास्ट मेंबर्स है, एंड इट वॉज ग्रेट वर्किंग विद एवरीवन. थैंक यू, मुझे अच्छा लग रहा है ये सुन के, क्योंकि इतना डिफिकल्ट है ये जॉनर ऑफ कॉमेडी और किसी को हंसाना. हाँ सॉरी, तो भाई वाला जो ये सलमान खान का एक शो आया था 10 का. हाँ हाँ हाँ, मैंने क्लिप्स देखा है. लेकिन हाँ, मैं कैसे जवाब दूँ ये, नहीं मुझे तो नहीं मालूम है. आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं. मेरी बहन बहुत ही बड़ी सलमान खान की फैन है, और तो आई नो कि मेरे फैमिली में ही इतने सारे लोग हैं, सो आई एम श्योर बहुत रहेंगे. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये बहुत ही रियल है. बहुत जो दिखते हैं इंटरव्यूज में वो ऑन सेट भी ऐसे ही है, और बहुत रिफ्रेशिंग है. क्योंकि बहुत लोग मन ही मन में सोचते हैं आपके बारे में पर बोलते नहीं है, तो मुझे ये बात अच्छा लगता है कि सलमान सर बोल देते हैं, तो माइंड में जो है वो जो बोल रहे हैं वो सेम है. मैं भी पता नहीं, पर मैं तो अपनी ड्रेस कोड में कि मैं साउथ की कैरेक्टर प्ले कर रही थी, तो मुझे मैं अपने लुक पे ध्यान दे रही थी. तो आई मीन आई डोंट नो अबाउट दिस, बट आई एम श्योर. कोर्स मानती हूँ, दोनों है, मेहनत है, लक भी है, इतने सारे हिट गाने भी है, तो मुझे वो यू हैव टू बी अ लिटिल लकी टू हैव सच अमेजिंग सॉन्ग्स. इट्स अ मिक्स डेफिनेटली ऑफ टू थिंग्स. जैसे कि मैं कहती हूँ कि एक तो है कि हम बारिश के लिए प्रे करें, बट जो बीज जो डालना है वो हमें डालना है, ताकि जब बारिश हो तो बाद में हमें वो फल मिलेगा. सो आई फील इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ हार्ड वर्क एंड लक. पर हाउसफुल तो बहुत अच्छा किया हाउसफुल ने. हाँ, ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि वो हमारी फिल्म्स तो हमारे बच्चे जैसे होते हैं, तो वी ऑब्वियसली लव इट. पर एज एन एक्टर मैंने हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या अपना काम 100% दिया है और
अच्छे से किया है, तो हाँ मैंने किया. मुझे आई फील कि बहुत लोगों ने देखकर बोला कि अच्छा यू नो आपका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है, या फिर मुझे नहीं पता था कि आप का इमोशनल रेंज जो आप दिखा रहे हैं वो यू नो पीपल सी न्यू थिंग्स अबाउट यू. तो आई थिंक दैट्स ग्रेट. आई ऑल्सो फील कि साउथ की जो फिल्म्स हैं मेरे, जैसे कि डीजे अला वैकुंठ पुरम, जिसमें वो बुट्टो बम्मा गाना था, वो इतना फेमस हुआ था वो फिल्म कि लोग डब्ड हिंदी वर्जन में भी उन्होंने देखा और एक्सेप्ट किया मुझे. तो इट्स आई फील कि अभी वो जो लैंग्वेज का जो बैरियर है ना, वो जा रहा है स्लोली एंड लोग मेरे साउथ फिल्म भी देख रहे हैं. तो ऐसा कुछ चलो अच्छी बात है. सो आई फील कि आपने ऑलरेडी मेरी साउथ फिल्म्स देखी है, तो आपको भी पता है कि टचवुड लाइक यू नो इट्स बिन ग्रेट. आई हैव गॉट सच रियली अमेजिंग फिल्म्स टू माय नेम एंड क्रेडिट. सो किसी का भाई किसी की जान रिलीज हो रही है 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को. आप प्लीज आपकी फैमिली को लेकर जाइए, कंप्लीट एंटरटेनमेंट भरपूर है ये फिल्म. इसमें एक्शन है, ब्यूटीफुल गाने हैं, लोकेशंस है, अच्छे लोकेशन, कॉमेडी है, देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन, और आपको बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू, और आई होप यू आर लाइक मी ऑल्सो इन द फिल्म. थैंक यू.